32 इंची मिल जाएगा ओनली 9,000 रुपए का है, आपकी वीडियो के लिए स्पेशल डिस्काउंट 7,800 रुपए का। अच्छा 7,800 रुपीज का आपको हमारे पास मिल जाएगा। बस की नहीं है कंपटीशन करना, वो दूसरे को कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। एडिडास और एबीबस में फर्क होता है सर, बिल्कुल ठीक है। और मैं फोकस करता हूँ काम को इम्प्रूवमेंट करने का। वैरायटी फिर बोलता हूँ सर, 32 में 11 वैरायटीज है, 43 में 9 वैरायटीज है, 50 में 8 वैरायटीज है। बस और एक चीज, फ्रेमलेस हो या फ्रेम के साथ हो, कोई प्राइस चेंज नहीं होता। लोग आज के रेट में फ्रेमलेस को इतना हाईलाइट कर रखा है। हमारी टीवी की कंप्लीट गारंटी रहती है, 1 साल की पैनल तक की गारंटी रहती है। अच्छा पैनल तो अरविंद की दा, सब बढ़िया ना दोस्तों? आप बढ़िया तो अप्पा भी बढ़िया दोस्तों। और आप लोगों के लिए भाई आज मैं एक ऐसा वेयरहाउस खोज के लेके आया हूँ जहाँ से आपको टीवी दिखाने वाला हूँ। ब्रांड से बढ़िया टीवी आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलने वाले हैं, और ऐसी क्वालिटी आपने देखी नहीं होगी। 4K USD सारी क्वालिटी दिखाएंगे, यहाँ तक कि 86 इंची तक के टीवी इनके पास अवेलेबल हैं। कैसी क्वालिटी मिलने वाली है, क्या आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, यहाँ आके लेना पड़ेगा, कितने प्राइस में मिल जाएगी, सारी चीज़ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट इस वेयरहाउस के ओनर हैं उनको बुला लेते हैं और उनसे जानते हैं भाई कैसे कैसे टीवी किस रेट के अंदर वो हमें अवेलेबल करवा रहे हैं। LED टीवी हैं, USD हैं, क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये आज सही मेरे को धमाका, क्या धमाका करने वाले मेरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इनको अच्छे क्वालिटी में सस्ते टीवी लिए। हमारा जो फर्म है एक्चुअली ये स्वराज एंटरप्राइज है, ब्रांड जो हम लोग डील करते हैं, हमारा जो अपना ब्रांड है वो QIB के नाम से QIB। और हम लोग हमारी स्पेशलिटी है हमेशा कुछ नया एक्सपेरिमेंट और नया प्रोडक्ट कस्टमर तक इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है जी, तो कितने कितने इंची टीवी मिल जाते हैं सर? इंचेस तो वैसे हमारे पास अभी जो स्टॉक में है मैं उसकी बात करूंगा, जो स्टॉक में नहीं है उसकी बात नहीं करूंगा। मेरे पास अभी जो स्टार्टिंग रेंज है वो 21 इंचेस से मिल जाएगा। अच्छा 21 इंचेस इन द सेंस, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा 21 इंचेस साइज है। वैसे बहुत लोग इसको 24 करके भी सेल आउट कर सकते हैं, ये कॉर्नर टू कॉर्नर आपके 24 बोलते हैं। ठीक है, इस 21 में भी ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो एक स्मार्ट टीवी ले सकते हो। अच्छा, जो अदर्स कहीं नहीं मिल सकता, नहीं आप मिल कहीं सकता। भी चेक कर लो, आपको 21 इंच में, लोग शायद आपको मिसगाइड कर दे कि हमारे पास ऐसा नहीं होता, वैसा लोग बना नहीं पाते तो मिसगाइड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, हम कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 21 इंच में सर आपको एंड्रॉइड टीवी मिल जाता है, हमारे एंड्रॉइड स्मार्ट मिल जाता है जी। ना? बहुत लोगों के पास क्या होता है, और ये ऑप्शन नहीं होता कि वो कोई बड़ा टीवी लगाए, जैसे कि दुकान वगैरह पे हम लोगों ने उसको ध्यान में रखते हुए 21 इंचेस में एंड्रॉइड टीवी दिया हुआ है। अच्छा। इसमें फीचर आपको वॉइस कमांड भी मिल जाता है। अच्छा ठीक है, वो मैं धीरे धीरे फीचर्स पे आऊंगा। देखिए ये लाइव चल रहा है, मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ यूट्यूब से। ठीक है, देखिए यूट्यूब से मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, आप देख सकते हैं ग्लास का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अच्छा। आज के डेट में थोड़ा सा मिसगाइडनेस ये भी चलता है कि स्ट्रॉन्ग पैनल लो पैनल ना टूटने वाला टीवी, सर दुनिया में आज तक ऐसा कोई टीवी नहीं बना है, दुनिया में मतलब वर्ल्ड में ऐसा कोई टीवी नहीं बना जो ना टूटे, ना टूटे कोई। अगर आपको ऐसे मार के, देखिए इसमें शीशा लगा हुआ है, अब मैं इस पे ये मारूं, ये रिमोट फेंक के मारूं या इसको और जोर से मारूं, ये नहीं टूटेगा, तो शीशा है सर, शीशा है। ठीक है, इवन के हमारे पैनल्स भी देखिए कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग पैनल्स। अच्छा ठीक है, ये अलग चीज हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ये टीवी टूटेगा नहीं। सर जो भी बोलता है बिना टूटने वाला टीवी, उसको आप बोलो ऐसे टीवी पकड़ो और ऊपर से छोड़ दो, गिरा के दिखा दो, गिरा के दिखा दो, तब मानेंगे सर। ये मिसगाइडनेस है, मिसगाइडनेस है, ये मिसगाइडनेस है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीवी ऐसा चीज है, उसको बोला ऊपर से छोड़ के दिखाओ तब मानेंगे। ग्लास टूटेगा ही ग्लास सर, इसमें मैंने ग्लास प्रोटेक्शन लगा दिया, इसका मतलब ये टीवी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। अब ग्लास प्रोटेक्शन मैं बता रहा हूँ, जो छोटे टीवी में हम लोग कंसिडर करते हैं, छोटे टीवी में वॉइस कमांड रिमोट दे दिया, वॉइस कमांड के साथ ही। अच्छा ठीक है, अब देखिए क्या चीजें जो है मेन चीजें ध्यान रखने वाली। शीशे वाले LEDs हम लोग इस टीवी में भी लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाते हैं, रीजन ये है इसमें एडवांटेज है कि आप अगर फ्रंट से देखते हो उसको एकदम सीधे एंगल से देखते हो आपको टीवी दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, क्वालिटी भी समझ में आएगी। लेकिन जैसे ही आप इसको साइड से देखते हैं साइड एंगल में आपको कभी इसके व्यू नहीं मिलेंगे, नहीं, ये डिसएडवांटेज है, इसलिए हम लोग छोटे टीवी छोड़ के बड़े टीवी में नहीं लगाते। ठीक है, इसका प्राइस आपने नहीं बताया क्या सर? ये आपको वॉइस कमांड रिमोट के साथ, वॉइस कमांड रिमोट इंक्लूड आपको दूंगा 6,800 रुपए का। और इसमें अगर प्लेन टीवी लेते हो सर, जैसे प्लेन टीवी विदाउट एंड्रॉइड 21 इंचेस का दूंगा आपको 5,200 रुपए का। अच्छा 17-19 मेरे पास अभी स्टॉक में नहीं है, वो 2,300 रुपए से 2,500 रुपए के बीच में मिलते हैं, इससे कम में टीवी देना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा यहाँ पे मेरे पास बूफे लगा हुआ है सर 32 इंच के टीवी का, 5 तो डिस्प्ले पे है। अच्छा वहाँ पे और मिल जाएंगे, टोटल 11 मॉडल है हमारे पास, 11 मॉडल मिलेंगे आपको सिर्फ 32 स्मार्ट में। वाओ, बहुत लोग बोलेंगे शायद हमारे पास इतने मॉडल नहीं होते, 2 मॉडल बस की नहीं होती लोगों की,
तो लोग मना कर देते हैं। अच्छा ठीक है, आप सोचिए हमारा 2008 नवंबर से हम लोग एलईडी टीवी में, मतलब नियर अबाउट शायद इस नवंबर में 14 साल हो जाएंगे, तो 14 साल में हम लोगों ने कुछ तो इम्प्रूव किया है। ठीक है, सही बात। मॉडल्स लगे हमारे, ये आप देख सकते हैं एक फ्रेम पे है, ये फ्रेमलेस पे है। पहले इन दोनों चीजों के बारे में बताता हूँ, फ्रेमलेस हो या फ्रेम हो हमारे पास कोई रेटों का फर्क नहीं होता। अंटिल जो मैंने पैनल का रेट है वो चेंज किया हुआ है, ये लोग फ्रेमलेस और फ्रेम को ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि अब जैसे कि ये फ्रेमलेस है, ये फ्रेमलेस है, ये फ्रेमलेस है, ये फ्रेमलेस है, अलग अलग फ्रेमलेस के टीवी से सर सारे। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं सर इसके और एक चीज़ों पे, जो जो आज के डेट में हो रही है मैं वो सारे पॉइंट कवर कर रहा हूँ ताकि ऑडियंस को अच्छी तरह से समझ में आए चीज़ें। थोड़ा सा लाइट ऑफ करता हूँ ताकि आपको अब जो चल रहा है सर, एक चीज़, एक मैं इसका होम पे रहता हूँ, थोड़ी देर के मैं होम पे रहता हूँ। अब ये इसके होम देखिए, इसके होम देखिए, अब मैं इसके भी होम दिखाऊंगा। और ये देखिए एक होम है सर, इसको कहते हैं टीवी का इंटरफेस। आज के डेट में क्या हो रहा है, एक मिसगाइडेड इंटरफेस दिखा के टीवी की क्वालिटी बताई जाती है, जो कि टोटली गलत है, गलत कॉन्सेप्ट है। इंटरफेस का मतलब ये होता है कि आपका जैसे कि फ़ोन पे आज के डेट में वॉलपेपर होता है, ऐसा ही यही होता है टीवी का इंटरफेस। जैसे कि आप देख नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, विजडम शेयर लिखा हुआ है, ये एक सॉफ्टवेयर है। सब जब से टीवी शुरू हुआ है हमारे इंपोर्ट पे, दिस इज द वन एंड ओनली सॉफ्टवेयर जो स्टार्टिंग से अभी तक चल रहा है। अच्छा, लोग मिसगाइड ये करते हैं, आप देखते हैं स्मार्ट विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी। अब इसके ओबीसी बात है, जब ये 10 साल पहले ये सॉफ्टवेयर था और अभी में इस सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस काफ़ी आ चुके हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से कोई प्राइस नहीं बता। अब जैसे कि ये इसका होम है, ये अब मैं इसके होम पे आता हूँ, एक मिनट मैं आपको इसका होम भी दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये एक टीवी आप देखिए, ये इसका होम है, मतलब इसको कहते हैं इंटरफेस हमारी लैंग्वेज में, इसको कहते हैं इंटरफेस, इसको कहते हैं होम पेज। जैसे कि ये एक होम पेज है, अभी अगर मैं नीचे आता हूँ आप देखिए इसमें क्या है, इस होम पेज को आपको शायद देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए है क्योंकि इसमें सारे लाइव आपको एक ऊपर में स्क्रीन मिल रहा है, लाइव जो चीज़ें हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जैसे नीचे करता हूँ, आप देखिए इसको मैं एक बार नीचे करता हूँ इसको, तो नीचे में क्या है, इसके ऐप्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, प्राइम वीडियो, ये देखने में अट्रैक्टिव होता है। अगर किसी ने बहुत पहले, मैं मतलब लॉजिकली समझाता हूँ थोड़ा सा लोगों को भी, थोड़ा टाइम लेता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। अच्छा, ये दोनों जो होम पेज हैं दोनों डिफरेंट हैं? हाँ, दोनों डिफरेंट होम पेज हैं, लेकिन इसमें क्वालिटी की कोई फर्क नहीं आ सकता। अच्छा, ठीक है, कोई टीवी के प्राइसेस में इंक्रीजन में मतलब इंप्रूवमेंटेशन नहीं होता है, प्राइस इंक्रीमेंट नहीं होता। जैसे कि ये देखिए, ये अभी जैसे इसमें आपके सारे ऐप दिख रहे हैं कि कौन कौन से है, यूट्यूब है, अमेजोन है, टीवी असिस्टेंट है, ट्रेंड है, नेटफ्लिक्स है, ये सारे हैं। ठीक है, ये मिसगाइडेंस है। अब मैं मतलब इसमें प्ले करके दिखाता हूँ, कहने का मतलब ये है कि थीम से और इंटरफेस से है ना, प्राइस कोई प्राइस चेंज नहीं हो सकता है और ना क्वालिटी। और ये स्ट्रॉन्ग पैनल, लाइट पैनल कुछ नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग पैनल आपके सामने है सर, सुपर स्ट्रॉन्ग पैनल्स होते हैं, ये भी सुपर स्ट्रॉन्ग पैनल्स है, लेकिन इसमें क्या अलग अलग ग्रेड्स है पैनल्स में। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये एक आईपीएस टीवी है, अब अगर देखेंगे ये एक आईपीएस है, ये आईपीएस नहीं है। बहुत लोग मिस कहते हैं कि आईपीएस पैनल मतलब ही हमेशा अच्छा नहीं होता। हाँ। इस पैनल से इस पैनल की ग्रेड, भले ही आईपीएस नहीं है, ये वीए पैनल है, पर ये वीए पैनल इससे एक्सपेंसिव है। अच्छा, अगर आप नाम ब्रांड्स के नाम में मैं कंपेयर करूँ तो सैमसंग में मोस्टली आपको यूएसडी पैनल में वीए पैनल से मिलेंगे, आईपीएस नहीं मिलेंगे। अच्छा। लेकिन उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है आप कोई अदर ब्रांड मैच करवा के दिखा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, हम लोग ब्रांड्स के जेन्युइन पैनल यूज करते हैं। डिटेल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो पे बने रही है, सामान मेरे बेचने से ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा देना पसंद होता है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से इसमें काम कर रहे हैं, मिसगाइडेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसे हमें प्रॉब्लम होता है कि हमें जानबूझ के ना मतलब डाउनग्रेड करना पड़ रहा है क्वालिटी आज के डेट में कंपटीशन के चलते, लेकिन जब इससे कोई प्राइजेस चेंजेस नहीं होते। अब आते हैं 32 के प्राइजेस में, 32 के प्राइजेस में एक कॉमन फीचर होता है लोगों का, वॉइस कमांड के साथ, विदाउट वॉइस कमांड के साथ, वैरायटीज ह्यूज है हमारे पास। विदाउट वॉइस कमांड आपको हमारे पास 32 इंच मिल जाएगा, ओनली 9000 रुपए का है, आपकी वीडियो के लिए स्पेशल डिस्काउंट 7800 रुपए का। अच्छा, 7800 रुपीस का आपको हमारे पास मिल जाएगा। तो यार देख सकते हैं भाई, कोई वीडियो हमारी क्वालिटी, इंटरफेस से हमें कोई मतलब नहीं है सर, इंटरफेस आप किसी ऐसे भी ले लो, ऐसा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी ले लो, बस क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी। अब ये वॉइस कमांड के साथ मिलेगा आपको, ये वाला टीवी वॉइस कमांड के साथ लोग कर देते हैं 1500-2000 रुपए एक्स्ट्रा। वॉइस कमांड के लिए कितना डिफरेंट होता है ये भी बता देता हूँ। वॉइस कमांड के लिए एक टीवी में फर्क आता है, सिर्फ 450 रुपए का एक किट लगता है जो वॉइस कमांड को सेंस करता है, एक रिमोट आता है 550 रुपए का, तो आप जोड़ लो दोनों पैसे, वो इसमें एड ऑन कर दो, तो पैसे कितने हो गए इसमें। ये वाला जो मॉडल है उससे अपर ग्रेड है थोड़ा सा, इसलिए ये मॉडल आपको मिलेगा 8950। वॉइस कमांड अगर चाहिए तो 550 रुपए रिमोट के एक्स्ट्रा। अच्छा, अब आते हैं वॉइस कमांड पे सर, ये पॉइंट भी कवर करते हैं। वॉइस कमांड में क्या मिसगाइडेंस हो रही है, वॉइस कमांड में एक चीज होता है कि लोग बताते हैं कि सिंगल रिमोट है। हाँ। हमारे मैंने ये मॉडल पे आपको दो रिमोट दूंगा सर। अच्छा, वॉइस कमांड के दो मॉडल दूंगा, उसमें खर्चा ज्यादा आता है, एडवांटेज कस्टमर को ये मिलता है, अगर कभी एक रिमोट खराब हो गया तो आप सेकेंड रिमोट से उसको यूज कर सकते हो।
अच्छा जैसे ऐसे है कि सिंगल रिमोट तो हमारे मार्केट में मिल जाते हैं, सेंसर रिमोट है, दो सारे रिमोट मिल जाएंगे हमारे पास से, आप कुछ भी लेते हैं आफ्टर सेल आपको उसकी सर्विस मिल जाएगी, सामान भी मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा सर। अब आते पहले एक बार रूम, इसको सर आजकल इतना हाईलाइट किया जाता है क्या बताऊँ। ये है रिमोट, सिंगल रिमोट है, वॉइस कमांड के साथ है। अच्छा। रेडी कर दिया सर, ये रहा। हाँ। अब इसके लिए कोई रॉकेट है नहीं, सिंगल रिमोट में यही वाला सेम मॉडल। इंटरफेस देखो सर, मोस्टली आज के डेट में इंटरफेस दिखता, पता नहीं टीवी की लोग क्वालिटी नहीं दिखाते, इंटरफेस दिखाते सर। इंटरफेस दिखा के कौन सा होता है, ये रहा सर इसमें। और आज के डेट में और एक चीज़ ऐप के लिए मैं गाइड करते हैं, सारे ऐप चलेंगे सर। जब आपके एक टाइम था 5G नहीं आया था, अभी जब 5G फोन आ जाएंगे ना तब सारे फोन में 5G चलेंगे। हाँ चलेंगे। तो ऐसे ऐप अभी, पहले 4 साल पहले ऐप्स की इतनी नीड नहीं होती थी, नहीं होती थी। अभी अपडेट हो चुका है कार्ड, सारे ऐप्स चलेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर मैंने कुछ भी बोला है, अगर जैसे कि ये ओपन यूट्यूब, ये यूट्यूब खोल देगा सर। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब लोग ऐप्स के बारे में बात करते हैं, ऐप्स क्या होता है सर, जैसे मैंने कहा इंटरफेस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता हमें। अब जैसे कि ऐप है, इसकी मैं क्वालिटी चलाता हूँ आपके सामने। जी सर, आज तक लाइव चल रहा था, टाइम आप अपने मोबाइल पे दिखा दीजिए सर, और इसको आप अपने मोबाइल से टाइम दिखा दीजिए, टाइम कितना हो रहा है। बिल्कुल, ये देखिए अभी लाइव चल रहा है, बिल्कुल ही आपको टाइम दिखाऊं मैं एक बार, ये देखिए। हाँ जी, 2:38 हो चुके हैं, वहाँ पे 2:37 चल रहे हैं। एक मिनट तो सेम टाइम फास्ट चल रहा है आपका मोबाइल, तो लाइव ही चल रहा है। तो ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, इनसे कोई प्राइस नहीं बढ़ते। सिंगल रिमोट, अब मैं बताता हूँ, मैं इन टीवी में सेम मॉडल दूंगा सर, 2 रिमोट के साथ दूंगा। अच्छा, सिंगल रिमोट के साथ पहले रेट बता दो, सिंगल रिमोट के साथ क्या खर्चा आता है, डबल रिमोट के साथ क्या खर्चा आता है। सिंगल रिमोट के साथ ये सेम टीवी दूंगा सर, और भी कुछ फीचर देखना सर बताओ, फीचर्स तो सब सारे बताओ, सारे चल रहे हैं, सारे होंगे सर। ऐप सर ये सिर्फ आप लोगों को डराया जाता है, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर विजडम, जैसे कि इसमें विजडम शेयर है, सॉफ्टवेयर विजडम शेयर हो ये हो, अलग अलग कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती है, आज के डेट में सब अपडेट हो चुका है। बिल्कुल कॉमन है। सौरभ भाई एक चीज और बताएं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमारे कस्टमर में, स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड में क्या डिफरेंस होता है। स्मार्ट टीवी एक्चुअली कुछ नहीं होता, पहले के टाइम में क्या होता, जिस टीवी में आप मिररिंग वगैरह करते थे, सिर्फ मिररिंग हो सकता था, नॉर्मल सी फीचर्स थे, वो स्मार्ट टीवी का था। आज के डेट में कोई स्मार्ट टीवी होता ही नहीं, आज के डेट में सारे एंड्रॉइड आ रहे हैं, सारे एंड्रॉइड बेस्ड टीवी है, ठीक है। और ये सिंगल रिमोट के साथ रेट देता हूँ सर, सिंगल रिमोट के साथ, मतलब ध्यान से सुनना सर, बहुत ध्यान से, ठीक है, शायद यूट्यूब में कोई दे दे, 15,800 रुपये वॉइस रिमोट। मेरे पास वैसे 43 स्टार्ट हो जाता है, 14,800 रुपये से, ठीक है, 14,800 से 43 स्टार्ट है। ये सिर्फ रिमोट और फीचर्स, और इसमें दोनों में पैनल का डिफरेंट है, उसमें 14,800 में अलग पैनल है, इसमें अलग पैनल है। पैनल डिफरेंस की वजह से जो रेट आता है, सिर्फ ये पैनल डिफरेंस की वजह से है। ये आप अगर थोड़ा सा जूम इन करेंगे, दोनों टीवी आपको शायद देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, वो ये है, जैसे कि ये इसका रिमोट है, ये सिंगल रिमोट पे सर। अच्छा, ठीक है, इसमें आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बोलता हूँ। जैसे कि ये वॉइस कमांड के साथ ही है सर, सिंगल रिमोट में आपको रेट बता दिया गया था 15,800 रुपये, ये वाला पीछे वाला टीवी सर, 43 इंच। जी सर, हम सर पहले और एक चीज़ बताते हैं, हम इंटरफेस नहीं बेचते, हम टीवी बेचते हैं और क्वालिटी बेचते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये है सिंगल रिमोट के साथ 15,800। अब लोगों को क्वेरी ये होगा कि शायद अगर मैंने, और ये मेरा डबल रिमोट के साथ है। अच्छा। दो रिमोट के साथ ये टीवी मिलता है आपको, इसमें रेटों का फर्क कितना होना चाहिए, 2,500-3,000 नहीं सर, जितनी एक रिमोट की और एक्सटर्नल कार्ड की जो खर्चा कॉस्ट आती है, ये प्राइस बताता हूँ, ये डबल रिमोट के साथ आपको मिलता है ओनली 16,700 रुपये का सर। अच्छा, ठीक है, आपके मतलब स्पेशल वीडियो देख के जो आएगा उसको मिलेंगे 16,500 रुपये, और भी 200 रुपये का वो रखा ही नहीं, चलो छोड़ दिया, ठीक है। ये डबल रिमोट और सिंगल रिमोट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, बताता हूँ। अपने टीवी की एक बार मेरे को गारंटी बताओ क्या रखते हो सर। हमारी टीवी की कंप्लीट गारंटी रहती है 1 साल की, पैनल तक की गारंटी देते हैं। अच्छा, पैनल तक की देते हैं, पैनल तक में कोई दिक्कत आए तब भी आपको बिल्कुल, आप बेफिक्र हो। और बाकी हमारे साथ ऐसा होता है कि रिलेशनशिप बेस पे भी काम होता है, 3-4 साल पुराने में भी कभी किसी का स्पीकर के कुछ भी आ जाए, मेरे पास पार्ट्स पड़ा रहता है तो मैं ऐसे देता हूँ, अगर नहीं है तो सिर्फ पार्ट्स आपके पैसे दो, आप हम लोग ऐसे भी करवा देंगे, वो रिलेशनशिप अलग चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं सर ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मैं मोस्टली 2 रिमोट रेकमेंड करता हूँ, ये हम लोगों ने बहुत पहले कर रखा है, इससे प्रॉब्लम ये आता है कभी अगर एक रिमोट ही आपका प्रॉब्लम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस टीवी को चलाने के लिए। अच्छा, डबल रिमोट में क्या होता है, एक आपका सेंसर रिमोट होता है जो आपके सेंसर से काम करता है, और ब्लूटूथ रिमोट बहुत लोग दिखाते हैं, ये एक ब्लूटूथ रिमोट है, आप कहीं से भी, मैं इसको अगर यहां से भी प्ले करूंगा ना सर, अच्छा, यहां से तब भी आप देखो वो टीवी काम करेगा, ये देखिए यहां से इतने दूर से मैं प्ले कर रहा हूं, ओपन यूट्यूब, ठीक है, तो वो YouTube प्ले कर देगा, क्योंकि ये सर ब्लूटूथ रिमोट है, ये कहीं से भी कैच करेगा चीजों को। अच्छा, मतलब कमरे के किसी कोने में हो, कहीं पे भी हो सर ये कैच करेगा। अब देखिए ओपन मैंने YouTube प्ले कर दिया, और सेम थिंग
एप्लीकेशन सर आज के डेट में ये सब डराते हैं, कोई एप्लीकेशन क्योंकि आज के डेट में टीवी इतने फ्यूचरिस्टिक हो चुके हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे, ये बस एक चीज बता रहा हूँ फिर से, ये इंटरफेस है सर, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सारे जो एप्लीकेशन है, जो एक अदर्स में क्या हो सकता है कि आपको एप्स में जाके आप ओपन करेंगे ऐसा पेज खुलेगा, ये डायरेक्ट इसने स्क्रीन पे दे दिया, मतलब खुलने का तरीका अलग है, खुलने का तरीका अलग है। लोग पता नहीं क्या क्या करके बेच रहे सर, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम भाई आपको रेट एक चीज और जानना चाहूंगा, कुछ है ना इनके इंटरनल फीचर्स के बारे में आप बताइए, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी यूज कर रहे हैं जी सर, रैम वगैरह या कौन सा आप इसमें हार्डवेयर यूज कर रहे हैं जी सर? रैम रूम आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में दिखाता हूँ, मैं क्या आपको दिखा ही रहा हूँ सर, ठीक है। ये रहा, इसमें आपको जैसे कि ब्लूटूथ मिल जाता है, ये भी हाँ ब्लूटूथ को भी लोग अलग से फीचरिस्टिक में दिखाते हैं, ब्लूटूथ के साथ हो ना हो इस मॉल में अगर कंपेयर करूँ वीडियो, शायद इसमें ब्लूटूथ नहीं है, लेकिन दोनों की वीडियो कंपेयर करूंगा ना सर, हाँ सेम रहेगी, वीडियो कंपेयर करूंगा, इसकी ग्रेट क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, ये पैनल ज्यादा महंगा है इससे, ठीक है। सामने वो भी कंपेयर कर दिखाता हूँ। अब आ जाते हैं सर, ये है 1GB 8GB 1GB 9GB क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ हमारे टीवीज मिलते हैं मोस्टली, ठीक है। 12 कोर टीवीज नहीं देते हैं आज के नहीं देते। अब क्वाड कोर से ये है कि लैगिंग वगैरह के इशू, और एक चीज 2GB 1GB से भी प्राइस नहीं बढ़ते हैं, मैं आपको अभी बने रहिए वीडियो पे भी दिखाता हूँ। 2GB 16GB वॉइस कमांड साउंड बार सब कुछ, लेकिन उससे भी रेट कम है। अच्छा 16,200 रुपये में दूंगा, लेकिन अब ये है कि कार्ड कार्ड में भी फर्क होता है, ये 1GB 8GB का कार्ड वो 2GB 16GB कार्ड से भी महंगे हैं, महंगे हैं। अब रीजन बताता हूँ क्या है, कस्टमर जैसे स्मार्ट हो रहे हैं, मेरी बात को शायद कोई नेगेटिवली ना ले प्लीज, जैसे कस्टमर स्मार्ट हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए कस्टमर एक बार टीवी लेता है, मैन्युफैक्चरिंग हर रोज बेचते हैं, चार बेचते हैं, और मैं करूंगा मेरे वीडियो सबको हमेशा जब भी मिलता है तब भी चेंजेस मिलते हैं, अलग मॉडल। आज के दिन में आपको 75 भी दिखाऊंगा, 50 में भी मॉडल दिखाऊंगा। अब जैसे कि आते हैं थोड़ा सा, ये तो बता दिया मैंने, वॉइस कमांड डबल रिमोट के साथ आपको मिलता है 16,500 रुपये का, ये वाला ये इंटरफेस वगैरह सब कुछ देखे, ठीक है ठीक है। अच्छा एक मिनट मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, ये आप दिखा रहे हैं 43 जी सर, 43 में किस किस प्राइस की टीवी है अपने पास? सर 43 में 14,800 से स्टार्टिंग है, 14,800 से जी जी, और 15,800 तक, 14,800 तक 16,500 22,500। अब ये कोई लिमिटेशन नहीं होती, अब जैसे कि इसमें पैनल्स आते हैं, हाँ हाँ। अब इसमें हमारे पास जो टीवीज होते हैं ना, इसमें सर 75% कॉस्टिंग जो होती है उसकी पैनल की, पैनल की होती है। अगर 10,000 रुपये का टीवी है तो आप मान लो 75% कॉस्टिंग, हम लोग सिर्फ पैनल को ज्यादा मतलब कंसिडर करते हैं, पैनल्स इवन की मैं आपको जैसे कि आपने रैम पूछा 2GB 16GB ऐसे भी टीवी दिखाऊंगा जो 1GB होते हुए भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कर रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि सर जैसे मैन्युफैक्चरिंग बहुत तरह के आ चुके हैं आज के डेट में, आप जब तक लाइव नहीं देखते क्वालिटी आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो उसमें नहीं आता, इसलिए हमेशा बोलता हूँ आप देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। और भाई एक चीज बता रहा हूँ, वीडियो आप ऑल इंडिया से देख रहे हैं पर भैया की डिलीवरी नहीं है, आप आके लेके जाए सबसे बड़ी बात है, आके लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटी चेक करके ही देंगे जी, और क्योंकि होलसेल के लिए ऑलरेडी हम लोग का स्पेशलिटी हमारा है होलसेल का, रिटेल के लिए कोई आके ले सकता है इसलिए। अब जैसे कि एक क्वालिटी में दिखाता हूँ 50 में ये, ठीक है। अब 50 में ये क्वालिटी हमारा लगा हुआ है, ये 4K पैनल, नॉन 4K पैनल कुछ नहीं होता, HD और UHD पैनल होता है। अच्छा अब क्या होता है इसमें 2160 प्ले होता है, तो लोग कहते थे ये 4K टीवी है, हाँ हाँ। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ सर, आप मेरे को एक बार दोनों की प्राइस बता दें क्या है सर। ये वाला जो पर्टिकुलरली ये वाला मॉडल है, दोनों में ही दोनों 4K टीवी है और दोनों में HD पे पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। पैनल जो है वो HD है, टीवी 4K ठीक है ठीक है। 4K मतलब 2160 प्ले होता है, पहले इसकी क्वालिटी आप देख लीजिए, ठीक है। सुपर क्वालिटी है सर, नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट ये है कि आप जैसे कि ब्रांड्स में जाते हैं, कोई भी ब्रांड पे जाते हैं, कोई भी मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, उसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। सेम थिंग हमारे साथ भी होता है, इसमें अलग अलग ग्रेड के, जब तक अगर किसी के पास इससे ऊपर देने की वो नहीं है तो आपको वो यही अच्छा बोलेगा, यही अच्छा बोलेगा, इस पैनल तक आपको रोक के रख देगा, क्योंकि नो डाउट ये अच्छा, अगर आपने इससे ऊपर के पैनल देखा ही नहीं है हाँ, तो आपको यही अच्छा लगेगा। और इसमें नहीं है कि इसकी क्वालिटी कोई खराब है, आप थोड़ा जूम इन कीजिए, इसकी क्वालिटी दिखा दीजिए कस्टमर को। ये क्या होता है 2160 प्ले मतलब 2160 4K टीवी नहीं होता है, 4K के मोशन प्रोडक्ट हमेशा अलग रहते हैं और अच्छा। वो पैनल जेन्युइनली बहुत महंगे होते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल प्राइस की बात करूं तो 50 इंच के जो 4K के पैनल्स होते हैं वो नॉर्मल HD पैनल से 7,500 रुपये का डिफरेंस पैनल का होता है। अच्छा पैनल का। लोग आज के डेट में जैसे कि मैंने वही दिखाया आपको, अभी आप देखिए 2160 चला के 4K, लोग ये सोचते हैं कि 2160 चलना मतलब 4K हो जाता है। मैं आपके सामने यूट्यूब में ये चलाता हूँ 2160 करके, मैं एक को बंद करता हूँ, दोनों चल लें तो कंपेयर हो जाएगी ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं सर, वीडियो पे कितना जस्टिफाई करेगा मुझे नहीं पता, सामने से आपको समझ में आएगा सर। फिर ये देखिए आपके सामने मैंने 2160 लगा दिया, 4K शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए 4K शो हो रहा है, बिल्कुल। तो अब आप देखिए डिफरेंट, मुझे नहीं पता आपको लाइव ज़्यादा समझ में आएगा
वीडियोस पे मैंने हमेशा कहा कि वीडियोस पे हमेशा आपको जो वीडियो होती है स्क्रीन होती है वो हमेशा सेम लगता है, लेकिन जब भी आप लाइव कंपेयर करते हो तो आपको डिफरेंट समझ में आता है। बिल्कुल सही है। तो आप बताइए ऑडियंस को कि आपको डिफरेंट कितना समझ में आ रहा है दोनों के पैनल में, लेकिन पैनल दोनों ही एचडी है, दोनों में से अभी तक कोई भी यूएचडी पैनल में यूज नहीं किया। अब यही वीडियो आप अगर इसमें देखेंगे बहुत सुपर क्वालिटी है, लेकिन अगर जैसे मैं यूएचडी के पैनल यूज करता हूँ तो ये टोटली क्वालिटी अलग हो जाएगी। बिल्कुल नीचे वाली क्वालिटी अच्छी लग रही है मेरे को थोड़ी। जी सर, ये लेकिन एच डी में ही अलग पैनल है, सिर्फ ये साउंड बार के लिए प्राइस चेंज नहीं है, ये पैनल की वजह से प्राइस पैनल की वजह से। जी तो क्या प्राइस रहने वाला है इसका? सर ये वाला आपको, ये वाला पर्टिकुलर मॉडल आपको मिल जाएगा 23,000 रुपये का सर, 23,000 का। और वो आपने 21 कौन सा ऊपर वाला? ऊपर वाला आपको मिलेगा सर 21,500 रुपये का। 21,500 यानी कि 1,500 रुपये का डिफरेंस है, 1,500 रुपये का डिफरेंट है। अब आप देखिए सर यहाँ पे एक मेरा सुपर पैनल लगा हुआ है, इसकी क्वालिटी आप थोड़ा सा दिखाइए। वैसे मैं वही कह रहा हूँ कि वीडियो में शायद आपको एकदम सेम लगे, लेकिन जब आप सामने लाइव देखते हैं ना, आप यहाँ से बता सकते हैं अपने व्यूअर्स को कि आपको कितना डिफरेंट मिल रहा है सिर्फ बिकॉज ऑफ पैनल सर। बिल्कुल, तो वो तो 43 में लगा हुआ है ना सर, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद कौन सा साइज आता है अपने पास? सर इसके बाद आता है हमारे पास 55 इंच का, 55 मेरे पास। ये जो मॉडल आपको पर्टिकुलरली दिखा रहा हूँ मैं, ये 29,800 का है, 29,900 रुपए का है। और मेरे पास 55 में आपको 27,000 रुपए से स्टार्टिंग मिल जाएगा, 27,200 रुपए से स्टार्टिंग मिल जाएगा। जो मैंने आपको ये क्वालिटी दिखाया था ये सेम क्वालिटी पे आपको दूंगा, तो 27,200 रुपए का। अच्छा 27,200। अब इसकी क्वालिटी मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड हम इसको प्ले करके दिखाता हूँ। अब आते हैं सर इसके साथ साथ, जैसे कि 55 ये चल रहा है ना, मैं इसके साथ साथ आपको 60 इंच दिखाता हूँ सर। ये देखिए 60 इंच का टीवी है। अच्छा ये 60 में आ जाता है, 60 में आता हूँ। अब जैसे कि दोनों के प्राइस सेम है सर, 29, इसमें भी वॉइस कमांड वगैरह होता है। लोग मैं वही कह रहा हूँ सर, आज के दिन में इंटरफेस फीचरिस्टिक ये ज़्यादा सेल आउट होती है, और कस्टमर्स को भी मैं ये कहूँगा आप हमेशा आके देखिए, डिफरेंट ये होता है कि आपको तभी पता चलता है कि क्या क्वालिटी यूज़ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं इसका होम भी दिखाता हूँ एक बार, इसको होम करके दिखाना। इसमें वॉइस कमांड वगैरह सपोर्टेड है, वो चीज़ मैं पहले ही बताता हूँ। वो सर फीचर एड ऑन करना कोई बड़ी बात नहीं, नहीं है, टीवी के पैसे भी नहीं बढ़ते, ये सिर्फ लोग आज के डेट में करते हैं। ये 60 इंच हो गया, ये आपको मिलेगा सर ओनली 29,900 का। अच्छा, और ये भी टीवी आपको मिलता था 29,800 का, 55 इंच, 29,800। और एक चीज, 60 तुम लोग बोलते हैं रनिंग में, 60 कोई टीवी नहीं होता। अगर इसका पैनल, मैं अगर पैनल साइज बताऊँ तो ये 58 होता सर। अच्छा 58 होता, लोग 60 मतलब बोलते बोलते हमें भी मतलब 60 ही निकल, दोनों में 3 इंच का ही डिफरेंस है, 3 इंच का ही फर्क होता था 55 में और 58 में। लेकिन जो ग्रेट क्वालिटी पैनल्स में 55 में आती है वो 58 में कम आ पाता है, क्योंकि ये उतना रनिंग मॉडल नहीं है, 55 ज्यादा रनिंग है। इसमें आपको वैरायटीज बहुत सारे कंपनी बनाती है और बहुत सारे वैरायटीज बनाती है 55 में। ये हमारा 29,900 वाला, 29,800 वाला 55 है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। वॉइस कमांड वगैरह मैं लास्ट आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सेम होती है, वो तो हर किसी में मिल जाएगी, कोई प्राइस मैक्सिमम सारों में ही लगा रखी है हमने, मोस्टली सर। अब देखिए मुझे नहीं, वही मैं कह रहा हूँ वीडियो पे शायद आपको डिफरेंट ना समझ में आए, बट आपको शायद इसमें दोनों में पैनल्स में डिफरेंट समझ में आएगा 100% की दोनों के पैनल में डिफरेंट पैनल लगे हुए हैं। और एक चीज़, हमारा प्राइस कम है, रेंज कम है, मतलब ये नहीं कि हमारी क्वालिटी डाउन है। मैं एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि हमारा जो क्वालिटी स्टार्टिंग रेंज होता है, जो हमारा बेस क्वालिटी भी होता है, आप अदर्स पे जाओ मोस्टली आपको उनके जो टॉप वेरिएंट मिलेंगे उसमें आपको वो क्वालिटी मिलेगा। हमारे पास ह्यूज वैरायटी स्टार्ट इसलिए हो जाता है कि हम लोग हर तरह की क्वालिटी देना पसंद करते हैं। और आप भी देखते हैं कि आज के डेट में पहले से और अभी में क्वालिटी का डिफरेंट बहुत आ चुका है, पहले के टीवी अलग थे, अभी के टीवी अलग है। तो इस चीज़ों को हम लोग इम्प्रूवमाइज करते हैं और इस अकॉर्डिंग हमारे साइजेस वगैरह क्वालिटी वगैरह चेंज होते हैं, ठीक है। और हमारे पास और एक चीज़, फ्रेमलेस हो या फ्रेम के साथ हो कोई प्राइस चेंज नहीं होता। लोग आज के डेट में फ्रेमलेस को इतना हाईलाइट कर रखा है, ये वाला मॉडल मेरे पास आप फ्रेमलेस में लो, अच्छा, या फ्रेम पे लो, सेम प्राइस है 29,900 रुपए। बट अंटिल मैंने पैनल चेंज नहीं किया है, तो अगर पिक्चर क्वालिटी चेंज नहीं होगी, नहीं होगी तो जी कॉन्सेप्ट है 55 इंच में, जो मैंने शायद आपके वीडियो पे नहीं, मैंने एक वीडियो पे दिखाया भी है, वो i7 के साथ हमने पहला पीस ही रेडी किया है। अच्छा, 55 इंच में, उसी में हमारा काम चला, नेव आउट वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, 86 और 90 इंचेस आपको सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा। बहुत लोग, मैं आपको 75 जैसे दिखा देता हूँ अभी, बहुत लोग क्या है वीडियोस पे बोलते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते, वो कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास किसी को पता चला कि 86 आ गया, और 90 इंचेस पर टीवी नहीं होता, 86 इंचेस होता है, वो पैनल होता है, 90 बोल के सेल आउट होता है, वो भी आपको हमारे पास ही मिलेगा और किसी के पास नहीं मिलेगा। आपको कोई दिखा नहीं सकता, बोल सकता है कोई, वो आपको दिखाएंगे हम। तो 86 इंच तक पैनल है अभी भैया के पास, रेडी स्टॉक है, मतलब रेडी स्टॉक। ये हमारा 65 है, अगेन आप देख लीजिए, जैसे कि बात चलती है आईपीएस नॉन आईपीएस की, आपके दोनों के सामने है, ये एक नॉन आईपीएस पैनल है, बट ये बहुत अच्छे ग्रेड का पैनल है, ये एक आईपीएस पैनल है, लेकिन 65 में मिलेगा आपको। अच्छा, और इसमें हमारे पास फ्रेम में हो या विदाउट फ्रेम में हो, ठीक है, 65 में हम लोग थोड़ा सा हैवी क्वालिटी देना पसंद करते हैं ज्यादा, ताकि क्योंकि इसमें आप ये, इससे नीचे अगर मैं गया तो पिक्सल्स आपको ज्यादा दिखेंगे, लेकिन ये क्वालिटी सुपर क्वालिटी है,
ये आपको मिलता है ओनली 41,500 रुपए का, 41,500 में 65 इंचेस का हमारे पास स्टार्टिंग मिल जाता है आपको इसके ऊपर। हाँ जी स्टार्टिंग, इसके ऊपर चार वेरियंट मिलेंगे सर। लोग के पास नहीं होता है, वो मिसगाइड करते हैं, हमारे पास इतने मॉडल नहीं होते। मेरे पास 32 में, फिर रिपीट करता हूँ सर, 11 मॉडल है 32 के अंदर, 32 स्मार्ट के 11 मॉडल है। हर एक मॉडल को हिट करने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे ब्रांड हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज की ब्रांड अलग अलग मॉडल्स बनाती है। अगर ब्रांड के पास हो सकती है तो हमारे पास क्यों नहीं सकती, बिल्कुल। हम लोग 14 साल से काम कर रहे हैं, और आप सोचो कोई किसी फील्ड पे ज्यादा टाइम से काम करेगा तो उसमें क्या होता है, मेरे में भी वो होता है ना कि क्यूरियोसिटी होता है कि मैं और बेटर करूँ, और बेटर करूँ, और नया करूँ। पीसी 55 का पीसी आपको कहीं और नहीं दिख सकता, हमने किया है। अच्छा। हमारा कॉन्सेप्ट ही है, वो कभी और नहीं दे सकता। 43 में मैंने आपको दिखा दिया, इंटरफेस के गेम में मत फंसो, वीडियो दिखा दूंगा अभी, आप बोलेंगे लाइव दिखाऊंगा। इस तरह के इंटरफेस हम लोगों ने 3 से 4 साल पहले दिखाया, वीडियो पे दिखेगा आपको, बिल्कुल। लेकिन उस टाइम हम लोगों ने अब 3-4 साल पुरानी वीडियो देखेंगे भैया की, तो वो जो वो इंटरफेस आजकल चल रहे हैं ना, सिंगल वॉइस रिमोट हम लोग उस टाइम, लेकिन उस टाइम हमने कोई वॉइस कमांड को, अभी लोग क्या कर रहे हैं वॉइस कमांड को ऐसे दिखाते हैं कि क्या ना क्या हो गया, बोलने से रिमोट चल रहा है। ये सब तो हम लोगों ने 3-3 साल पहले किया, बिल्कुल वीडियो मिल जाएगी सर, सर्च कर लो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, तो अच्छा भैया अब इसके बाद 75 भी आपको दिखाते हैं सर। हाँ। एक मिनट थोड़ा सा, एक्चुअली हाँ। वो यहाँ पे रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखा देता हूँ, ये हमने 75 इंची निकलवा लिया है भाई, और 75 में क्या क्वालिटी दे रहा हूँ सर, एक बार दिखाइए। वाओ, ये क्वालिटी आप देख सकते हैं। मैं फिर भी ये कहूंगा कि अगर आप आएंगे सामने तो आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि वीडियो पे मोस्टली सारे टीवी आपको एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल। अगर कोई ब्लर पिक्सल भी हो गया ना, तब भी आपको वीडियोस में कभी समझ में नहीं आएंगे, मैं ये चैलेंज के साथ बताता हूँ आपको। पर भैया क्वालिटी अलग ही दिख रही है, रियल में तो बोला था 75 अगर मैंने दिया है। अब लोग कहते हैं प्राइस के लिए सेंसिटिविटी करते हैं, लेकिन 75 में मैं कोई प्राइस मतलब कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं सर। ठीक है, तो इसका प्राइस क्या जाने वाला है वैसे 75? सर 75 में सबसे पहली बात है, 75 में भी आपको ऑप्शन देंगे सर। अच्छा, हमारे हम लोग जाने जाते हैं ऑप्शन के लिए, हमारे पास 75 में भी ऑप्शन मिलेगा सर। 3 वैरायटी दूंगा 75 में, 3 वैरायटी ऑन स्पॉट दूंगा, 3 वैरायटी दिखा के दूंगा। सबसे बेसिक जो प्राइस मिलेगा आपको, उससे नीचे भी जा सकता हूँ। अच्छा। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, 75 में सबसे बेसिक जो प्राइस दूंगा आपको, वो दूंगा 85,000 का सर। 85,000 में 75 इंच का टीवी सर, मतलब और सारे 75 मेरे 4K है, जेन्युइन 4K। अच्छा, जेन्युइन 4K रहेंगे, कोई मैं HD पैनल यूज नहीं करता 75 में कि पिक्सल दिख जाए कुछ हो जाए, नहीं सर, जेन्युइनली 4K मिलेगा 75 में आपको। अभी अभी जो हम ये क्वालिटी देख रहे हैं, ये हमारा है सर 85,000 का, बस 85,000 की बेसिक क्वालिटी है, सबसे बेसिक क्वालिटी। तभी तो मैंने दिखा, मैं वीडियो पे इसलिए टॉप क्वालिटी दिखा था कि सर वीडियो में आपको मैं ये दिखाऊं, ये दिखाऊं, ये दिखाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सही में बेसिक क्वालिटी है सर, बेसिक क्वालिटी, तो दूसरी से अपग्रेड सर। मैंने आपको ये कहा ना कि हमारी क्वालिटी जहाँ से स्टार्टिंग होती है ना, लोग वहाँ पे खत्म होती है सर। आप मिलवा लो सर, मैं तो अब मैं आजकल तो सर क्या ही बताऊँ, मैं कुछ भी बोल दूँ ना वीडियो पे, वो कॉपी कर लेते हैं लोग। मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ इस चीज़ को सर, मुझे इसलिए कॉपी किया जाता है सर, ऑब्वियसली बात है, जिनकी बस की नहीं है कंपटीशन करना, वो दूसरे को कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। एडिडास और एबीबस में फर्क होता है सर, बिल्कुल। ठीक है, और मैं फोकस करता हूँ काम को इम्प्रूवमेंट करने का। वेराइटी फिर बोलता हूँ सर, 32 में 11 वेराइटीज़ है, 43 में 9 वेराइटीज़ है, 50 में 8 वैरायटीज है। ब्रांड्स पे चले जाओ, सारे मॉडल देखे हो, ब्रांड्स पे जब जाते हो आपको मॉडल मिलता है ना ऑप्शन, कपड़े देखने जाते हो ऑप्शन मिलता है ना, क्यों नहीं देंगे सर, हम भी देंगे ऑप्शन, ऑप्शन ही ऑप्शन है हमारे पास सर, आ जाओ सर, हम मतलब, दे पाएंगे मतलब, हमारे में दम मतलब, है देंगे सर। दूसरे क्वालिटी में भी बीट नहीं कर सकते, और प्राइस में क्वालिटी 86 भी है सर अभी तो, और अगर खोलने जाएंगे 86 जगह ही नहीं है हमारे पास रखने के लिए। अगर किसी को पार्ट 2 चाहिए 86 चाहिए तो आप कमेंट करो कि आपको 86 देखना है सर। 90 इंच बोल के वो सेल आउट होता है, अच्छा पैनल साइज 86 होता है, वो भी दिखाऊंगा, उसमें भी अपने पास मॉडल रहेंगे। आप एक काम करते हो सर, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कर देते हैं कि कभी अगर नेक्स्ट वीडियो हो पाए, वैसे टाइम के लिए बड़े टीवी ही दिखाएंगे उसमें, बड़े ही टीवी दिखाएंगे। ठीक है, और एक चीज कि मैं शायद रोज वीडियो ना बना पाऊँ, लेकिन आप ये याद रखना मैं वीडियो पे रेगुलर नहीं आ पाता, क्योंकि मैं इस पे काम करता हूँ, फील्ड पे ज्यादा काम करता हूँ, और मेरे पास आपको ऑप्शन मिलते रहते हैं, मैं इन पे ज्यादा डेवलपमेंट करता हूँ। आपको अदर्स पे मिल सकता है कि शायद वीडियो रोज मिलते हैं, एक ही टीवी आपको पता है शुरू से लास्ट तक क्या होने वाला है, लेकिन हमारे पास जब भी नया वीडियो डलता है आपको हमेशा सब्सक्राइब मिलता है, क्योंकि हम लोग हमेशा मतलब हमारा कॉन्सेप्ट है कि इससे बेटर करने के लिए, ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट होते ही रहेंगे हमेशा। तो भाई आप यहाँ आके बहुत बढ़िया टीवी ले सकते हैं, होलसेल में अगर किसको चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है, रिटेल। जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद ऐसा भी हो सकता है 2-3 महीने हमने कुछ और मॉडल लॉन्च और मॉडल लॉन्च कर दिए, बिल्कुल सही बात है भाई, क्या पता आप 2 महीने बाद वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे नए इन्वेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्राइस बहुत कम जाने वाले हैं और नई इन्वेंशन के लिए जाने जाता है स्वराज इंटरप्राइजेस सौरभ भाई। तो भाई ऐसी ही वीडियो हमेशा आपको देखने को मिलती रहती है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके चलो, बेल का आइकन दबा के चलो। शॉप हमारा है लक्ष्मी नगर में, पिलर नंबर 35, ऑल डे ओपन है, कभी भी आ सकते हैं, 11:30 से रात को 8:30 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं। कॉल हो सकता है, रिस्पॉन्स ना हो पाए, बात को नेगेटिवली ना ले लो, ह्यूज कॉल प्रेशर आता है, जैसे कि आपको दिख रहा है वो कंस्टेंटली फोन बज रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब ये होता है कि अगर
सपोज कॉल रिसीव ना हो पाए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल दीजिए, भले ही एक दिन या एक घंटे बाद आपको रिप्लाई मिले लेकिन रिप्लाई मिलेगा। सेकंड ये है, शॉप ऑल डे ओपन है, वॉकिंग डिस्टेंस है और हमारा मेन रोड के ऊपर है, कहीं आपको गली वगैरह पे जाके ढूंढना नहीं होता है हमें, एकदम मेन रोड के ऊपर पिलर नंबर 35 स्वराज एंटरप्राइज गूगल पे लक्ष्मी नगर से वेरीफाइड है, प्रीति व्यालवारे रोड पे है ना जी, लक्ष्मी नगर से निर्वाण विहार के बीच में हमारा पड़ता है पिलर नंबर 35। अगर आप लक्ष्मी नगर से निर्वाण विहार टूवर्ड्स निर्वाण विहार की तरफ जा रहे हो तो आपको सेम एंड पे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा एक आपको ट्रांसफार्मर देखिए, हाँ, लोकेशन है कि बाहर इनके पास इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बहुत बड़ा जी। तो भाई पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, गूगल की लोकेशन भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली इनके पास आगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में टीवी देख सकते हैं। और एक चीज सर, एक्चुअली बहुत दिनों बाद वीडियो हो रही है ना, जितने क्वेश्चन माइंड में थे सारे आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, कमेंट्स में अपना नंबर ना छोड़े, अगर आप कमेंट्स में मैसेज छोड़ते हैं, कोई आपको रिप्लाई करता है कि हम स्वराज एंटरप्राइज है, आप अपने अपना ऑर्डर दे दीजिए, उसको एंटरटेन ना कीजिए, दो नंबर जो हमारे रहेंगे उसको छोड़ के आपको कोई नंबर पे एंटरटेनमेंट, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, ऑनलाइन डिलीवर करते ही नहीं है, नहीं सर होलसेल में हम लोग कर देते हैं, हाँ, रिटेल ऑनलाइन पे हमारा ये रहता है, अगर कस्टमर को फेथ है कि आप अपना टीवी खुद कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं तो मंगवा सकते हैं, वीडियो कॉल पे दिखा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, लेकिन कोरियर की डैमेज 1% रहता है, वो हम लोग नहीं लेते, नहीं लेते, वो अगर आप बेयर कर सकते हो तो आप ले सकते हो, और कोरियर में हमेशा जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो एक्स्ट्रा रहता है। कैश ऑन डिलीवरी करवाने जाऊंगा, रीजन नहीं करवाता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी में प्रॉब्लम ये होता है कि रेट बहुत महंगे होने महंगे होने, जैसे कि मैं 7,800 में दूंगा, ये कैश ऑन डिलीवरी पे आपको पड़ेगा 10-10.5 हज़ार रुपए का, बहुत लोग करते हैं, मैं आपके बजट पे वो नहीं दूंगा, आए नहीं लेंगे, तो सबसे बढ़िया यही रहता है भाई अपनी गाड़ी उठाओ, इतनी वैरायटी कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आके अपना देख लो सर, सारे मॉडल चेक करो अपने पसंद से, क्या पता 32 लेना चाहते हो और आपको यहां पे है ना 43 पसंद आ जाए, क्या पता 75 पसंद आ जाए, क्योंकि भाई 75 का तो आपको पता है अलग ही लुक देखने को आ रहा है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा टीवी, आपको पूरा एक थिएटर आपको देखने को, हमारे पास कोई सर मिल जाता है नहीं होता सर, जो है दिखाएंगे दिखाएंगे, जो है वही बताएंगे, जो नहीं है हवा में बात नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। तो भाई मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टिल देन बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।